इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, जो कि मच अवेटेड फिल्म फेस्टिवल बन चुका है, शिमला में नहीं, हिमाचल में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार ये फिल्म फेस्टिवल 22 सितंबर से 24 सितंबर 3 दिन तक मनाया जाएगा, हमेशा की तरह। और ये फेस्टिवल जो जब शुरू हुआ था 2015 में, अभी 9th एडिशन है, तो एक सोच थी कि जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम हिमाचल, तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी, मैं फिल्म देखता हूँ, हम लोग दूसरे फेस्टिवल्स में भी जाते हैं, जैसे बाहर केरला में फिल्म फेस्टिवल, जितने भी अदर स्टेट्स में फेस्टिवल होते हैं, या इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल होते हैं, कांस की बात करें, या आप सुडैन फिल्म फेस्टिवल, जो प्रोमिनेंट फिल्म फेस्टिवल हैं, तो यहाँ पे हिमाचल की फिल्में कहीं ना कहीं मिसिंग रहती हैं विद इन द जो स्टेट्स में फेस्टिवल रहते हैं। तो ये लगा कि एक इस तरह का आयोजन यहाँ भी हो, और बाहर से फिल्म मेकर आएँ और इनको देख के, हमारे यहाँ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो न्यू कमर्स हैं या कोई फिल्म एंथुजियास्ट हैं, ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने और एक इंटरेक्शंस हो फिल्म मेकर्स की, जो बाहर से भी फिल्म मेकर्स आते हैं। तो ये है, और 22 से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा, जो कि गेयटी थिएटर में हर वर्ष मनाया जाता है। نمیدونستم من انقدر مشهور شدم اینا رو بنویم एक लड़की होकर हम श्रवण कुमार नहीं बन सकते। हेलो, 10 मिनट से लेट। फेस्टिवल इस बार जैसे 22 से 24 तारीख तक सितंबर में है, और मैं चाहूँगा कि शिमला की जनता बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, गेटी थिएटर में, जो विच इज़ अ हिस्टोरिकल थिएटर, तो हमारे शहर में हो रहा है, आप पूरा इसमें भाग लें और आइए, मिलें, आपके साथ नए फिल्म मेकर्स हैं और जो मजे हुए फिल्म मेकर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, और इनफैक्ट फ्रॉम 5 कंट्रीज फिल्म मेकर्स आर कमिंग। सो आप एक नॉलेज शेयर कर सकते हैं, और मार्केटिंग, एक मार्केट बेस भी बनता है, आप एक एक्सचेंज करेंगे, नए आइडियाज़ लाएंगे, और मैं इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनका कि इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है, और LAC डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिनके एक सहयोग से ये हम हर वर्ष करते आ रहे हैं।